नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मैं हूं अर्जुन। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं मंडोर जिले की खबर। बिजली विधानसभा क्षेत्र में राजद के प्रत्याशी चयन की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। समर्थकों ने राजद से किसी स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिलाने की उठाई मांग। बाहुबली कोरोना संक्रमण होने के कगार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाहुबली में 40 लोगों के कोविड-19 टेस्ट में नहीं मिला एक भी पॉजिटिव मरीज। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से राजद के निवर्तमान विधायक समीर कुमार महासेठ का टिकट कन्फर्म। दूसरी बार राजद के टिकट पर लड़ेंगे विधानसभा के चुनाव। चुनाव के समय में बाहुबली पुलिस ने अवैध शराब भट्टी का किया भंडाफोड़। धान के खेतों में बनाया जा रहा था देसी शराब। भोला बाबू के निधन पर शोक संवेदनाओं का लगाता था सामाजिक राजनीतिक एवं औद्योगिक जगत के सजग पड़े के रूप में खास पहचान। बिस्टी में मुख्य सड़क पर पेड़ गिरने से घंटों यातायात रहा बाधित। बिस्टी बलहा कमजोर जाने वाली मुख्य सड़क पर धराम से गिरा विशाल काय पाकर का पेड़। दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर नामांकन शुरू होने से पहले एनआरटोर पहुंचा पारा मिलिट्री फोर्स। अररिया सरकार के ड्रामा सेंटर में पारा मिलिट्री फोर्स के ठहरने का किया गया प्रमाण। मधुबनी में विधानसभा चुनाव के लिए कर्मियों के प्रशिक्षण स्तर पर बनाया गया मॉडल बूथ। मतदान के आखिरी घंटे में शाम 5 से 6 बजे तक कोरोना पॉजिटिव मरीज, कोरोना से संशयित मरीज मतदान का करेंगे प्रयोग। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दल कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू। जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र केंद्रित ने मतदान कर्मी के प्रशिक्षण स्तर का किया निरीक्षण। चुनाव को लेकर भारत नेपाल के जिला स्तरीय शीर्ष अधिकारियों की हुई बैठक। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों द्वारा द्विपक्षीय सहमति पत्र पर किया गया हस्ताक्षर। विधानसभा सीट से कुल्लर के संस्थापक पुष्पम्रिया चौधरी चुनावी मैदान में। इससे पहले पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की कर चुकी है घोषणा। जयनगर में चेक पॉइंट पर पुलिस द्वारा मिठाई से बाइक सवार युवक चोटिल। विरोध में आक्रोशित लोगों ने आने जमकर किया प्रदर्शन। फुलप्रास के डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा ने चुनाव को लेकर थानाध्यक्षों के साथ की गई मीटिंग। सीमावर्ती क्षेत्र के थानाध्यक्षों को दिए विशेष चौकसी बरतने का निर्देश। एनडीए में प्रत्याशियों के लिए टिकट का बंटवारा शुरू। प्रथम चरण के लिए जदयू और बीजेपी दे रहे हैं अपने उम्मीदवारों को टिकट। हजारपुर सीट बीजेपी या जदयू के खाते में, संशय बरकरार। दोनों घटक दलों के कार्यकर्ताओं की बड़ी बचेंगी। आप देखते हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।